ये कहानी है एक गरीब लड़के की, जिसे अपने कॉलेज में पढ़ने वाले एक अमीर लड़के से प्यार हो जाता है। एक दिन वो फैसला करता है अपने दिल की बात बताने का उस लड़की को, और उसके पास जाता है और बोलता है कि वो उसे काफ़ी प्यार करता है। पर लड़की उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, ये कहकर कि वो उसके लायक नहीं है और वो उसका ध्यान नहीं रख पाएगा, वो एक गरीब लड़का है। ये सुनकर लड़का काफ़ी चौंक जाता है, और इसे ये पता चलता है कि लड़की काफ़ी घमंडी होती है, उसे अपने पैसों का, ऐशो आराम का काफ़ी घमंड होता है। इत्तेफाक से दोनों फिर से टकराते हैं एक मॉल में 10 साल के बाद, और लड़की उसके पास जाती है उसे जलील करने के मकसद से और कहती है कि तुम वही हो ना जिसने मुझे कॉलेज में प्रपोज़ किया था 10 साल पहले। लड़का ये सुनता है और चौंक जाता है, और फिर लड़की बोलती है कि तुम्हें पता है मेरा पति एक कंपनी में मैनेजर है और 5 लाख रुपए पर महीने कमाता है, तुम क्या करते हो, तुम कुछ कमाते धमाते भी हो या नहीं। ये सुनकर लड़का थोड़ा मुस्कुराता है और सोचता है कि लड़की में अभी भी उतना ही घमंड है जितना 10 साल पहले था। इसी दौरान लड़की का पति आता है और बोलता है क्या तुम इन्हें जानती हो। लड़की बोलती है हाँ, हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। उसके बाद उसका पति बोलता है कि तुम्हें पता है ये कौन है, ये मेरे बॉस हैं और इस कंपनी के और इस मॉल के मालिक भी। ये बात सुन के लड़की थोड़ा चौंक जाती है, थोड़ा नहीं बहुत चौंक जाती है, और गहरी सोच में पड़ जाती है। इसके बाद उसका पति ये भी बोलता है कि जब तुम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि सर को एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि ये बहुत ही गरीब हैं। फिर लड़की को सारी चीज़ें लड़की को याद आ जाती हैं और वो पछताती है अपने फैसले पे जो कि उसने 10 साल पहले किया था। तो गाइज स्टोरी यहीं पे एंड होती है, आप बताइएगा कि इस स्टोरी का मोरल क्या है।